दोस्तों नेट एक्सपर्ट आरएल से मैं हूं आपके साथ बादल शर्मा। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप किसी भी फोटो का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं और विदाउट क्वालिटी लॉस किए हुए कि उसका जो फोटो की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होना चाहिए और प्रॉपर वे में जो है उसका जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो इसको हम किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे वो सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल आपको पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाए और विदाउट क्वालिटी लॉस किए हुए, क्वालिटी में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़े, तो हम लोग इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था एक पोर्टल के बारे में, remove.bg में से भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इमेज का जो है बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इस पोर्टल में दोस्तों, यहाँ से अगर आप किसी भी इमेज की अगर आप बैकग्राउंड आप रिमूव करते हैं इस पोर्टल के द्वारा, तो आपकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है। यदि आप इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं, लॉगिन करके आप इसका जो पेमेंट करते हैं, इसमें आपको रुपया लगता है शायद पर इमेज आपको 11 रुपये समथिंग कुछ ऐसा लगता है, तो फिर आपका जो है वो HD क्वालिटी में डाउनलोड का ऑप्शन देता है, अदरवाइज इसका जो है रिजोल्यूशन कम रहता है और क्वालिटी आपका ख़राब रहता है इमेज का। यदि आप प्रिंट निकालते हैं तो आपको प्रिंट क्वालिटी भी आपको नहीं मिल पाता है। तो यदि आपको फोटोशॉप की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप क्या कीजिए, फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप 2021 ये वर्जन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक अगर जिनको भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और अपना मेल आईडी दीजिएगा, मैं मेल आईडी में डाउनलोड लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो आपको जरूरत पड़ेगा दोस्तों एडोब फोटोशॉप 2021 वर्जन का, आप इसे क्या कीजिएगा डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा दोस्तों। सिर्फ एक सिंगल क्लिक में आपका फोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो रिमूव हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, आपका फोटो का जो बैकग्राउंड है सिर्फ जस्ट एक सिंगल क्लिक में रिमूव होगा दोस्तों। तो ये फोटोशॉप हमारा जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है और इसे हम क्या करना है, फाइल में जाना है और ओपन में क्लिक कर देना है दोस्तों, या फिर आप कंट्रोल के साथ वो भी दबा सकते हैं कीबोर्ड से। ओपन में जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके साथ ओपन का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आता है और आपने इमेज जहां भी आपने सेव करके रखा है उस लोकेशन के ऊपर चले जाना है। जैसे मेरा जो इमेज है वो डेस्कटॉप पर है, तो हमने क्या किया, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया और यहां पर सर्च कर लेना है जिस भी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं। सपोज दैट जैसे मेरा एक फोटो है, ठीक है, इसका इमेज जो है इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो हमने क्या किया उस पर डबल क्लिक कर दिया है, वो अभी इमेज हमारे सामने खुल करके सामने आ जाएगा दोस्तों। वेट कर लेते हैं खुलने, ये देखिए हमारे सामने जो है ये पिक्चर खुल करके आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मूव टूल में एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, इस पर लेयर पर क्लिक कर देना है दोस्तों। एक बार लेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लॉक बटन है, ठीक है, इसे अनलॉक करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड लेयर है दोस्तों, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। डबल क्लिक कीजिएगा ये और ओके कर दीजिएगा, ये आपका लेयर अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होते ही आपको एक फीचर्स आ जाएगा प्रॉपर्टीज के अंदर में, यहाँ पर दिखेगा दोस्तों ये प्रॉपर्टीज के अंदर में, इसे थोड़ा सा नीचे आप ड्रैग कीजिएगा, इस रोलर को जैसे नीचे आप खिसकाइएगा दोस्तों, यहाँ पर दिखेगा आपको रिमूव बैकग्राउंड। जस्ट इस पर क्या करना है, आपको एक बार क्लिक कर देना है रिमूव बैकग्राउंड में और आपको वेट करना है दोस्तों, प्रोसेसिंग में है, वेट कीजिए। ये देखिए आपका जो है बैकग्राउंड बहुत ही स्मूथली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका रिमूव हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा वेट कर लेते हैं और इसका प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने देखते हैं और देखते हैं कि हमारी इमेज को ये कि इमेज के बैकग्राउंड को किस प्रकार से रिमूव करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत ही स्मूथली और बहुत बेहतरीन तरीके से रिमूव हो चुका है। अब जो इसे हम सेव करेंगे, मैक्सिमम क्वालिटी में सेव करवा सकते हैं दोस्तों, या बैकग्राउंड वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो आप दे ही सकते हैं। अगर आप नहीं जानते बैकग्राउंड कैसे देना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका अगला वीडियो में बता दूंगा कि फोटो के पीछे जो है कोई अच्छा सा इमेज को कैसे सेट करते हैं। तो इसे हमें सेव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, फाइल में जाना है और यहाँ पर क्या कर देना है, सेव एज कर देना है। सेव एज इसलिए कर देंगे ताकि हमारा जो पुराना इमेज है उसको ओवरराइट नहीं करेगा। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर JPEG सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। JPEG सेलेक्ट करने के बाद कोई भी नाम दे देंगे, वन नेम दे दिया हमने और सेव में क्लिक कर दिया दोस्तों। जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमारा इमेज जो है सेव हो जाएगा कंप्यूटर में। लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ मीडियम किया हुआ है, क्वालिटी में आपको मैक्सिमम कर देना है दोस्तों। मैक्सिमम करने के बाद और ये जो है इसको पूरा लास्ट तक पहुँचा देना है, क्वालिटी 12 तक आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है दोस्तों। देखिए ये इमेज आपका पूरा HD क्वालिटी में ही आपका डेस्कटॉप में सेव हो गया होगा, ये देख लीजिए दोस्तों। मैं अब आपको ओपन करवा कर दिखाता हूँ, ये पिक्चर क्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, एज इट इज HD में ही हमारा सेव हुआ है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो दोस्तों इमेज की बैकग्राउंड को लेकर के, इमेज की बैकग्राउंड को आप किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये जो वर्जन है आपका 2021 वर्जन है फोटोशॉप का, बहुत लोगों के कंप्यूटर में फोटोशॉप का वर्जन जो है 7 है, 7 में काम नहीं करेगा, ये फीचर्स जो है 7 में नहीं है। CC वर्जन में अवेलेबल है, 2020-21 में अवेलेबल है
और एक फीचर्स और इसमें आप ऐड करवा सकते हैं दोस्तों फिल्टर में, फोटो टूल बॉक्स, ये भी बहुत अच्छा एक टूल है। जैसे मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है, फोटो बनाने के लिए बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। और इसका यदि आपको वीडियो की ज़रूरत हो दोस्तों, ये फोटो टूल बॉक्स का ऑप्शन कैसे लाएंगे, ये कैसे होगा, तो इसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, वो फोटो टूल बॉक्स का कैसे आपके जो सॉफ्टवेयर में आएगा। और ये इनबिल्ट नहीं होता है, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही फोटो टूल बॉक्स रहेगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटो को आप स्मूथ बना सकते हैं, स्मूथनेस आएगा, देख लीजिए यहाँ पर एडिट हो गया है, इसमें हम स्मूथनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। यदि इसका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका भी वीडियो मैं बना करके दे दूंगा। आप फोटो पे आप बहुत अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं, फोटो का क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं दोस्तों। तो यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।